गाइस या वेलकम बैक सभी लोग कनॉट गेम फ्लिट के एकदम ब्रांडी वीडियो के अंदर। और आज हम लोग जाने वाले हैं वापस से कार पार्ट सेल सिमुलेटर में अपनी फेवरेट भाई निसान GTR लेने के लिए। तो लेट्स गो फटाफट से, जिसने भी लाइक नहीं करा लाइक कर देना भाई, 50K लाइक का गोल है तो फटाफट कंप्लीट करा दो अभी के अभी। और जो भी नया प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, 2 मिलियन के बहुत क्लोज आ चुके हैं, तो प्लीज यार सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ, अपने दोस्तों को भी बोलो करता है कि बताऊं तेरे को। चलो चलते हैं फटाफट से कार पार्सल भी लेते हैं अभी तक की गेम की सबसे ज्यादा रेयरेस्ट कार जो की है निसान GTR। गाइस हम लोग आ चुके हैं कार फॉर सेल सिमुलेटर में, बट मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, जैसे मैंने बोला था कि मैं आऊंगा सीधे GTR लेते हुए ही आऊंगा, तो मैं काफी देर से AFK खेल रहा था, मतलब रिकॉर्ड करे बिना ऐसे पीछे से खेल रहा था। तो हम लोगों को फाइनली GTR मिल चुकी है, वहां से आगे का तुम लोग खुद देख लो क्योंकि मैंने वहां से अलग रिकॉर्ड कर दिया। मतलब ऐसे बैठ के खेल रहा था भाई, जस्ट एक एडिट करके खत्म करा था मैंने माइनक्राफ्ट का, उसके बाद मैं ऐसे बैठ के खेल रहा था कि GTR मिल जाए क्या पता। तो लेट्स गो, हम लोग को GTR मिल चुकी है, तुम लोग ये देखो। गाइज मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, अभी मैं ऐसे ही बैठा हुआ था बस, ठीक है, क्योंकि मैंने तुमको से बोला था ना मैं ऑफ स्ट्रीम करूंगा, जितना ज्यादा हो सकता ज्यादा ट्राई करूंगा भाई वो लेने की, GTR लेने की। मैं लेट अभी के लिए खाली बैठा हुआ था, मेरे को बोला भी नहीं जा रहा भाई, मैं इतना एक्साइटेड हूँ एट दिस मोमेंट। भाई मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, मैं भाई मेरे पास टाइम नहीं बिल्कुल भी, 9 बज रहे हैं, ठीक है, 9:11 और यार तुम लोगों को अब सही है भाई, 9:11 हो रहे गेम के अंदर, ठीक है। हम लोग जल्दी से ऑफिस खोलना पड़ेगा, जल्दी से होज लाओ, इसको साफ करो भाई, फटाफट करो फटाफट एकदम, हाथ चलाओ भाई, 9:30 हो रहे, ठीक है, सुबह के हम लोगों का 3 बजे ऑक्शन है, और मैंने अभी पीछे जाके देख लिया, मैं तुम्हें भी दिखाया था GTR दिख गई मेरे को भाई, मेरे को GTR दिख गई। मैं मजाक नहीं करूंगा, मैंने जस्ट अभी एक रिकॉर्ड एडिट करके खत्म करा है, अपलोड करके खत्म करा है, ठीक है, शाम के 5:30 बज रहे, और मैं लेजिट भाई एक मिनट को मैंने इसकी गेम की आवाज़ भी बंद कर रखी थी क्योंकि मैं गाने सुनते हुए कर रहा था ना, क्योंकि घंटे घंटे लग जाते हैं भाई, 3-3 घंटे तक का तुम कैसे खाली गाड़ियों की आवाज़ सुन लोगे ना, तो इसलिए मैंने इसकी आवाज़ बंद करी थी, गाने चला के मैं अपना मस्त गेम में लगा हुआ था। एंड लेट्स गो इट्स हियर, लेकिन हमारे पैसे नहीं है, ठीक है, खाली 4,30,000 रुपये बचे हुए भाई। मैं तुम्हें दिखाता हूँ भाई, मेरे को मैं ऐसे ऐसे करके कर रहा था, गाने सुनता ऐसे ऐसे करके कर रहा था, और एकदम से मेरे को दिखा मेरी आँखें खुल गई, मैंने कहा क्या ये देखो, ये BMW की वो है अपनी SUV, ये डॉज चार्जर हो गई, ओके रुका, ये रही गाड़ी भाई, लेट्स गो भाई, ओ भाई भाई निसान GTR आई गई गाइस फाइनली भाई, मेरी किस्मत खराब थी। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो जल्दी से देखो, ठीक है, देखो 538th डे चल रहा है, याद करो मैंने पिछले वाले में तुम्हें वीडियो में ही कितना दिखा दिया था, मैंने तुम्हें वीडियो में आई थिंक 500 या ऐसा कुछ दिखा दिया था, या फिर पता नहीं मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद है कि मैंने 250-300 दिन तो करे थे। एंड भाई अभी देख लो तुम किस्मत यार, उई अब लोग आए हुए, गाड़ी बंद कर भाई, प्लीज ले जाओ भाई ले जाओ, तुम 100 रुपये में ले जाओ गाड़ी, 100 नहीं 1,00,000 में ले जाओ भाई, तू ये गाड़ी छोड़ भाई, नहीं चाहिए मेरे को भाई, पता ले जा, तू 5,00,000 में लगा रखी, कितने में लेगा बता, 4,00,000 बोल रहा है ना, रुक जा, तेरे लिए बस, खाली ये तेरे लिए कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अभी, तो मैं तेरे को सीधे 4,50,000 में दे रहा हूँ मेरे दोस्त, सीधे 4,50,000 रुपये ले भाई, खुश रहना तू, खुश रहना अपने सजना के साथ में, रिश्तों की मेहंदी आज लगी है सजनी तेरे हाथ में। चलो अभी बज रहा है 11:30, ठीक है, हम लोगों को 3 बजे ऑक्शन के लिए जाना है, तो मैं अपनी सारी की सारी गाड़ियां पहले चमका देता हूँ। मेरे को बताओ कि इसका हम क्या करें भाई, ये जो अपनी दूसरी वाली गाड़ी है ना, लाइक Mazda RX-7 है, ये भी बहुत रेयर गाड़ी है, बट हमारे पास ऑलरेडी एक पड़ी हुई है अपने कलेक्शन में, जैसे तुम्हें पता ही, वो ब्लैक वाली अपनी है पीछे, जिससे मैं पूरे टाइम पे वो कर रहा था, क्या कहते अपनी GTR ढूंढना था, बट यस भाई GTR को गोल्डन कलर देंगे क्या भाई, मेरा तो बहुत ज़्यादा मन कर रहा है भाई, बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा है। तुम लोग यार कमेंट सेक्शन में बताओ कि GTR को हम लोग कौन सा कलर दें भाई, मैं ऐसे बैठा हुआ था, मैं करे जा रहा था, मैंने कहा यार देखते हैं, अगर हो पाया है तो, अगर नहीं हो पाया है तो जो भी होगा जैसा भी होगा देखा ही जाएगा यार, कर लेंगे एंड बिलीव मी ब्रो। ऑक्शन में फाइनली भाई मैंने देखा, उसके बाद जाके लोगों को भाई 50वें दिन में 60वें दिन में GTR आ रखे ऑक्शन में, मेरे को 540 दिन हो चुके हैं और मेरे को GTR नहीं आई है एक भी, अब जाके मतलब आ गई, बट वही भाई पहली गाड़ी GTR है गाइस, हम लोग ऑक्शन के लिए लेट नहीं हो सकते, ये याद रखना, पहली गाड़ी ही GTR है, ठीक है, तो हम लोग ऑक्शन के लिए बिल्कुल लेट नहीं हो सकते, फटाफट से करते हैं, चलो आ जा फटाफट साफ करो गाड़ियाँ, हमारे पास 8,89,83,000 पड़े हुए, मैं तुम लोगों को कमेंट्स पढ़ रहा था, तो तुम लोग बोले थे कि 6,500-7,00,000 के आसपास में आ जानी चाहिए, तो वो तो सही है भाई, चलो ज़्यादा प्राइस ही तो नहीं होगी, बहुत एक्सपेंसिव तो नहीं निकलेगी, एक बच चुके हैं भाई, मेरी आँखें, तुम्हें लग रहा होगा मैं गाड़ी साफ करूँ, बट मेरी आँखें पूरे टाइम पे है कि टाइम ना निकले, चलो फटाफट से, तब तक भाई देखो सीधी सी बात है, साफ सफाई भी कर ही लेते ना जब तक हो रहा है काम,
भाई हम लोगों को 3 बजे तक का रुकना है गाइस, 3 बजे तक का, ठीक है। 3 बज गए एक बारी तो ऑक्शन स्टार्ट हो जाएगा और पहली गाड़ी निसान GTR है भाई। मेरे को तो इतना मन कर रहा है लेके आने की, भाई मेरा मन तो है GTR को गोल्डन कलर करे, ठीक है, गोल्डन कलर की GTR बनाए। जो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं गोल्डन कलर क्यों करवा रहा हूँ, बट यस ठीक है। तो हम लोग देखेंगे, तुम लोग लेकिन कॉमेंट सेक्शन में फिर भी बताना, क्या पता तुम कोई अच्छा कलर बता दो, कोई अच्छा वो बता दो, लाइक कलर कॉम्बिनेशन कुछ हो जाए ना बढ़िया सा इस गेम के अंदर। यार अगर ऐसा होता ना कि कुछ ऐसा समझ लो डीकैल होते या फिर दो कॉम्बिनेशन बना पाते कलर का, जैसे मस्टैंग में वो जो बीच से लाइन आती है दो, कितनी कूल लगती हैं, वो नहीं करवा सकते। वरना इसमें क्या कहते उसे सुपरा वुपरा में जो वो होती है क्या कहते उसे जो डीकैल्स लगते हैं आग वाग वाले, वो बहुत ज़्यादा कूल लगते हैं, तो वो हम लोग नहीं करवा सकते, वो सैड है भाई। टाइम होने वाला है, एक मिनट और बचा है, 1 मिनट और उसके बाद ऑक्शन स्टार्ट हो जाएगा भाई, जल्दी से कर ले, होपफुली मैं इसको साफ कर दूँ इतनी देर में, ठीक है ना। आई गेस एटलीस्ट बड़े वाले बैग्स तो मैं उठा दूंगा, सोडा कैन में आके उठा दूंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बट वही वाली बात है कि अपना ऑफिस साफ रहना चाहिए भाई। मैं कितना एक्साइटेड हूँ मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता, बता सच्ची बता रहा हूँ, मैं तुम्हें दिल से बोल ही नहीं सकता कि मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई। मैं मेरे को नहीं पता भाई, मैं तुम्हें बताता हूँ, रुको अभी 2:15 हो रहा है, ठीक है 2:15 हो रहा है यार, कौन सा कलर करवाए GTR को भाई, बस हो जाए कि हम लोग ऑक्शन जीत जाए, पता लगा कुछ अभी क्रैश, अभी अगर बाय चांस कुछ क्रैश हो गया, क्योंकि ये गेम क्रैश हुआ है एक दो बार मेरा, अगर ये गेम क्रैश हो गया तो सेव भी नहीं होता, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ जस्ट इन केस भाई, अच्छी याद आई, अच्छी याद आई। अगर बाय चांस क्रैश भी होता था एटलीस्ट इस वाले दिन से तो आएंगे हम, जब ऑक्शन खुलने वाला होगा 3 बजे, ठीक है। आधा घंटा और बचा है गाइस, 20 सेकंड, ओह 20 सेकंड बचे हैं बस, हो गया, रुक जाओ एक लास्ट और कूड़ा, बस हो गया, कमॉन 15 सेकंड 13 सेकंड भाई, मेरी पूरी आंखें सिर्फ और सिर्फ टाइम पे, ठीक है, ये बाकी सारा हम बाद में करेंगे क्योंकि स्टार्ट हो चुका है ऑक्शन, ठीक है हम लोग। ओ शिट, मैंने टिकट भी नहीं लिया, नो, चल 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 चल, भगा भगा भगा, ऑक्शन स्टार्ट हो चुका है गाइस, पहली गाड़ी बाहर आ गई, बंद कर भाई, टिकट दे अरे भाई, ओ भाई टिकट, निसान जी, अबे लो भाई 37,000 रुपये मेरी तरफ से, 5.5 लाख की गाड़ी है और डालू, ले 37,000, कौन करेगा बताओ भाई, से कौन लड़ेगा, करो डालो पैसे, डालो करो ना, मैं दिखाता हूँ तुम्हें पैसे भाई, 37,000 रुपये फेंक फेंक के मारूंगा मुंह में ये गाड़ी के लिए तो मैं तुम्हारे भाई यार, 6 लाख की आई है ऑलमोस्ट, और बहुत सस्ती आ जाती है, टू भी होना 6 लाख से सस्ती कर देते यार भाई यार, या ब्रदर That is भाई वाइट में भी अच्छी लग रही है एक्चुअली यार, GTR वाडू है ओके, GTR तो वाइट में भी अच्छी लग रही है, कितनी कूल लग रही है, देख रहे हो उसके जो बोनट पे वो है क्या कहते हैं उसे, जो बोनट पे बना हुआ है, मैं बोल भी नहीं सकता उसको क्या बोलेंगे भाई, हेडलाइट्स देखो गाड़ी की, ओए होए GTR फाइनली भाई, इस गाड़ी ने बहुत मदद करी है मेरी, क्योंकि यही गाड़ी में तो मैं आगे पीछे जाते रहा पूरे टाइम पे भाई, पूरे टाइम पे गाने लगे हुए कान में और धड़ाधड़ बंदा लगा हुआ है भाई, बस जाए जा रहा हूँ आगे पीछे डे, मैंने तुम्हें दिखाया था ना पिछली वीडियो में कैसे होता है, इसमें पूरा रीसेट करो डे, फिर दोबारा से ऑक्शन देखो भाई, मैंने कम से कम नहीं तो अभी तक का 400-300 ऑक्शन तो देख चुका हूँ मैं, गारंटीड ब्रो 400-300 ऑक्शन तो देख चुका हूँ मैं भाई। वो क्या है, डॉज है क्या, हाँ डॉज है भाई, निसान GTR, माय डैड हैज अ GTR और उसके बाद पीछे बच जाएगा भाई यार, भाई खत्म करो यार ये ऑक्शन भाई, मैं कर देता हूँ, रुक जाओ तुम्हारे लिए यार, इनको आसानी नहीं हो रही, रुक जाओ मैं कर देता हूँ, मैं खरीद दूंगा तुम्हारी सारी गाड़ियाँ, अरे तू ले भाई ले 1,500 रुपये भाई, मैं इनकी सारी गाड़ियाँ खरीद दूंगा भाई, तुम लोग मेरी GTR दो मुझे फटाफट भाई, हाँ आ जा BMW तू भी आ जा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आओ भाई आओ, करो बिडिंग करोगे, बिडिंग करेंगे आ जाओ भाई, कोई बात नहीं, मेरे को नुकसान हो जाए भाई, मेरे को मेरी GTR दिखा दो फटाफट से भाई, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, हो गया बस इतना ही था, ये आधा घंटा लगा देते इस चीज में, बताओ इतने में आधा घंटा लगा देते इतने में तो, अरे अपनी GTR आके खड़ी हो गई भाई, ओ ला 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 ला, ओ ला 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 ला, ओला एक बार देख लेता, मेरी सेटिंग से मैक्स है ना एकदम, ग्राफिक कुछ कम तो नहीं है ना किसी भी चीज़ में ग्राफिक कम तो नहीं है भाई, क्या लग रही है गाड़ी, आए हाय जरा एक मिनट गाइस, अरे यार इस पे ये नहीं भाई, अपनी गाड़ी पे तो यार कपड़ा मारता हूँ मैं, रुक जाओ यार भाई, पावर हाउस से कुछ वो पेंट वेंट में दिक्कत ना आ जाए ना यार, थोड़ा सा कपड़ा लगा देता हूँ, रुक जाओ यार गाड़ी में अपनी,
यहाँ पर आ रखा है कहीं पे यार। यस साफ हो गई गाड़ी भाई, मजाक से हट के लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा, गाड़ी वाइट में भी बहुत तगड़ी लग रही है। GTR वाइट में भी बहुत ज्यादा मस्त लग रही है, सच्ची बताऊं तो मानना तो पड़ेगा भाई। मेरे को सच्ची में अभी भी यकीन नहीं हो रहा। रुको इसको देखते हैं, ये गाड़ी डैमेज्ड है इसको भेज दो। इसको देख लेते हैं, ये गाड़ी भी डैमेज्ड है इसको भी भेज दो। अपनी वो भी डैमेज्ड है गाइस, क्योंकि मैं यहाँ पर लाते लाते तो ठोकी है गाड़ी, डैमेज्ड है बोल रहा हूँ भाई। ये देखो 5% का डैमेज है, कितनी ही मारी है ये गाड़ी मैंने। इसको यहाँ भेजो और अब हम लोग जाएंगे अपनी निसान GTR में। भाई ये गाड़ी लेजेंड इस गेम की सबसे ज़्यादा रेयरेस्ट गाड़ी है, हो भी क्यों ना भाई, हैवी तो यार सुपर कार क्रेजी भाई यार, इट्स अ GTR ब्रो, लेट्स गो। चलो पहले तो देख लेते हमारी गाड़ी भी डैमेज देगा नहीं भाई, 0% डैमेज, 0% पेंटेड, 0% डर्टी, लेट्स गो भाई। ये है अपनी GTR, लेट्स गो, अभी चलते हैं फटाफट। अरे ओके, मैं तो बेवकूफ हूँ भाई, ये प्रॉपर राइट साइड है भाई यार, ये तो इंडियन रस्तों के हिसाब से ही बनी हुई। और देखो अंदर से कितना कूल लग रहा है इसका इंटीरियर, लेट्स गो भाई। और देख रहे हो एक चीज ध्यान देना, इसमें कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम वाला, मतलब गाने वाने बजते होंगे बट ध्यान से देखो ना, इंफोटेनमेंट सिस्टम में देख रहे हो सारी चीजें जितने गॉज हो सकते हैं ना, जो होते हैं मतलब सब चीजों के लिए, वो सारी की सारी चीजें भाई। लग रहा है गाइज आज रात को सोने के लिए हमें अपनी GTR में जाना पड़ेगा, नो स्ट्रेस नो स्ट्रेस भाई। क्या आवाज है गेम में इसकी, और भागना देखो भाई, 200 का पकड़ ली पता भी नहीं चला। ओके भाई GTR इज फास्ट ब्रो, 100 भाई। भाई मुझसे लिख के लो, इसका 100 3 सेकंड के आसपास आएगा, मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ। इसका 0 to 100 3 सेकंड के आसपास आएगा, मुझसे लिख के ले लो। ये 0 to 100 3 सेकंड्स के आसपास में कर रही है जिस हिसाब से भाग रही है। ओ नहीं 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 नहीं, चल चल यार, मेरा थोड़ा सा ध्यान भटका यार, मैं थोड़ा स्पीड देखने गया भाई, उतने में ही सामने से पेड़ आ गया। आई एम सॉरी GTR, आई एम सॉरी बाबू, आई एम सॉरी यार भाई। लेकिन बहुत ज्यादा फास्ट है, बहुत ज्यादा फास्ट भाई, बहुत ज्यादा, मतलब कंट्रोल करना मुश्किल है, फास्ट है ये, तुम समझ रहे हो ना कि कोई गाड़ी कंट्रोल करने में मुश्किल होती है, वो इतनी फास्ट है भाई साहब। इसको लगाते हैं यहाँ पे और चलो भाई फटाफट से चलते हैं अंदर भाई। मेरे को इसको कलर करवाना है, कलर कह रहा हूँ पेंट करवाना है इसको, हम लोगों को प्रॉपर वो करना है, वॉश करवाना है, अभी तो रिपेयर भी करवाना पड़ेगा और नॉस वॉश सब फिट करवाऊंगा इसको, तो रेस फिट पूरी प्रॉपर बनाऊंगा इस गाड़ी को। पर इस बारे में चेक करना चाहता हूँ, सही बता रहा हूँ, विद GTR मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या सीन है। पहले तो इसको धो देता हूँ पूरा का पूरा, चिकना बना देता हूँ एकदम गाड़ी को, लेट्स गो। ठीक है हो गई, नहीं चमकी, अब चमक गई, चलो ठीक है। अरे यार आदत यार, हमेशा लेफ्ट से निकल रहा हूँ, गेम ने आदत डलवा दी लेफ्ट साइड पे जाने की। अब कल को पता चला हैरियर निकाल रहा हूँ, हैरियर में भी लेफ्ट साइड से जा रहा हूँ, पापा बोले क्या बैठेगा आज। चलो फटाफट से चलते निकालते हैं भाई अपनी GTR भाई। आवाज सुन रहे हो, आवाज अलग, आवाज है एकदम सबसे अलग भाई। इसमें ड्रिफ्ट फिट है क्या, क्योंकि ये गाड़ी बहुत ज्यादा ही ड्रिफ्ट मार रही है। एक तो इस गेम में पता नहीं क्या लगता है भाई, मेरे को ऐसा लगता है मक्खन के ऊपर तुम्हारी गाड़ी फिसले जा रही है ड्रिफ्ट के नाम पे भाई। जैसे ड्रिफ्ट होती है गाड़ी फ्रिक्शन पकड़ती है और तुम उसको काटते हो फिर, जैसे अभी काटी मैंने। पर इस गेम में ये देखो, इस गेम में अलग ही है वो, मेरे ख्याल से इसमें ड्रिफ्ट फिट है। वैसे ब्रेक मारने पर भी ड्रिफ्ट हो रही है इंस्टेड ऑफ हैंड ब्रेक, इसमें हैंड ब्रेक के बिना ड्रिफ्ट हो रही है, तो मतलब इसमें ड्रिफ्ट फिट है। ये क्या था, ये क्या था, बाहर निकल, बाहर निकल गाड़ी से, बता दो तेरे को। हाँ यार अच्छी गाड़ी, GTR में चोट लग गई थी अभी, हमको अपनी GTR ड्रैग रेस के लिए यूज करनी है ना कि ड्रिफ्टिंग के लिए। देखो इसमें नहीं है एक्चुअली, इसमें ड्रिफ्ट किट नहीं है, व्हाट डिफॉल्ट किट है। ओके डिफॉल्ट किट में ऐसे रपड़ा रही है, TCS भी इसमें डलवाएंगे, टर्बो भी डलवाएंगे, नॉस भी डलवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे इसमें। सस्पेंशन में हमें कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, बढ़िया है सस्पेंशन ऑलरेडी। और अब इसमें लिखा जाएगा वो चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस, वामू। लोगों को पता चले किसकी गाड़ी आ रही है, समझ रहे हो ना, जब वामू लिखा होगा तभी तो पता चलेगा किसकी गाड़ी आ रही है। अब देखो भाई अपनी GTR में लिखा हुआ है वामू, लेट्स गो। और कुछ है, और कुछ भी है जो हम करवा सकते हैं, देखो लाइट्स का तो मैं सोच रहा हूँ करवा देते हैं, ठीक है। हाँ ये देखो भाई, भाई डिसेप्टिकॉन जैसी लग रही है गाड़ी, और सामने थ्रो भी अच्छा आ रहा है, ठीक है। तो चलो चलते हैं, एक तो मेरे हाथ में हमेशा होज रहता है भाई, ये मतलब होज कह रहा हूँ, ये क्या बोलते हैं इसको, पावर वॉशर। ओके आई थिंक मैंने इसमें रेसिंग किट डाल के बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि ये गाड़ी और ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, और से मेरा मतलब बहुत ज़्यादा तेज़। यार क्या हमारे पास गाइस ये कभी होगी लाइफ में, लाइक क्या कभी हम लोग एक GTR ओन करेंगे।
प्यार है यार ये गाड़ी, कसम से भाई। गेम कोई भी हो भाई, आई ऑलवेज ट्राई फॉर GTR, कि मेरे को एक GTR चाहिए भाई। ओ भाई व्हाट द हेक भाई, व्हाट द हेक भाई। मेरे को अबे यार तू भी ना भाई, ले रुक जा भाई, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता यार, ये लो आप जाओ, आप जाओ ठीक है। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे मेरे से कि भाई क्या कहते उसे, अपनी गाड़ियां भाई बाहर रखा करो वरना आपका टैक्स बहुत ज्यादा आएगा। अरे यार डरते हैं क्या टैक्स से फिर? भाई कोई दिक्कत नहीं, आने दो आने दो, टैक्स आएगा आने दो, पर अपना कलेक्शन तो यहीं खड़ा रहेगा भाई, तुम चाहे कुछ कर लो भाई, टैक्स आता है तो आने दो, पर कलेक्शन कहीं नहीं जाना चाहिए। ये लास्ट सोडा कैन है भाई, मेरे को अपना ये एरिया को क्लियर करना था बस, इसलिए अभी भी रियली डर्टी बोल रहा है भाई, इसका मतलब यहाँ कुछ और भी कूड़ा पड़ा हुआ है अभी भी, मेरे को दिख नहीं रहा है, बट ठीक है कोई बात नहीं। अब देखो मैं तुम लोगों को एक चीज बताता हूँ, हमारे पास अभी तक का फास्टेस्ट कार जो 0 to 100 करती है वो पोर्शे आई गेस 3.9 सेकंड में इसने किया था फास्टेस्ट 0 to 100, बट उसी में फिर हम लोग आ जाते हैं R8 की तरफ को, तो R8 हमारी अभी तक की फास्टेस्ट टॉप एंड कार है। कहने का मतलब है सारी गाड़ियां 350 पे जाकर, सारी गाड़ियां भी नहीं, कुछ गाड़ियां जाती ही नहीं है 350-200 पे भी अटक जाती है, बट वैसे कायदे से देखा जाए तो सबसे फास्टेस्ट गाड़ी जो है आई थिंक पोर्शे 350 जाती है, बट ये गाड़ी ने हमें 357 दिखाया, पर हमारा हर बार रोड खत्म हो जाता है क्योंकि ये उतनी तेज पकड़ नहीं पाती, इसका टॉप एंड हाई है, लाइक V10 है भाई उसमें, तो टॉप एंड उसका बहुत ज़्यादा हाई है, बट कैसे बताऊँ वो उतनी जल्दी नहीं पकड़ पाती। तो लेट्स सी क्या हमारी GTR वो सारी बातों को, वो सारी चीज़ों को बीट कर पाएगी। ये क्या क्रेजी दिखने की गाड़ी है यार, और मैंने इसमें एक चीज़ ध्यान नहीं दिया है जो कि मेरे को देनी चाहिए थी, अभी अपना ऑफिस ऑफ है ना, ठीक है चलो, मैंने इसमें एक चीज़ गलत कर दी, मैं गलत क्या कर दी, मैंने इसमें एक चीज़ वो नहीं करी जो कि था हमारा गोल्डन कलर कराना, ठीक है मैं अपनी GTR को गोल्डन कलर कराऊँ, बट फिर भी तुम लोग यार गारंटीड कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि कौन सा कलर करवाएं, क्योंकि तुम लोगों के आइडियाज़ भी मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है तो गोल्डन कलर के साथ जाते हैं, जो कि होगा ये कलर देख रहा हूँ, ये गोल्डन। एक बार इसको देखते हैं, मैं इसको पेंट करवाता हूँ पहले, ठीक है, और इसकी स्मूदनेस और मेटेलिक फुल कर देते हैं एक बार ही, देखते हैं। नहीं मज़ा नहीं आ रहा वैसे, एक्चुअली आ भी रहा है देखा जाए तो, अब लेजिट अब गोल्डन लग रही है और चमक भी रही है देख रहो। ओ भाई साहब थोड़ा सा मेटैलिक कम करूँ तो, थोड़ा सा पॉलिश कम करूँ तो, नहीं नहीं हाँ ये भी सही है वैसे, ये भी थोड़ा सा गोल्डन लग रहा है, तो यार ये भाई दीवार दिखने लग जाती ना आधे में ही भाई, हाँ ये भी सही लग रहा है वैसे, फिर फुल मेटैलिक में तो इसमें बहुत ज़्यादा शाइन आने लग जाएगी है ना हर चीज़ की, या फिर स्मूदनेस भी ऑन, हाँ स्मूदनेस से ज़्यादा शाइन आने लग जाएगी, बट स्मूदनेस थोड़ी सी कम करें जिसमें, बस इतनी कर दे कि शाइन ना आए, ये शाइन ना अच्छी लगती है बाहर से आती हुई, लाइक क्रोम लगता है ऐसा, ग्लॉसी फिनिश लगती है, बट कलर तो ऐसे ही अच्छा लगता है। एक बार देखते हैं गाड़ी को, ठीक है ऐसे देखते हैं सामने से, भाई देखो गोल्डन कलर की GTR, लेट्स गो, चलो भाई चलो लेके चलते हैं अपनी गोल्डन कलर की GTR को टेस्ट पे लेके चलते हैं गाइस। क्या ये हमारे सारे के सारे, भाई आवाज सुनो इसकी, ओ भाई एग्जॉस्ट नोट देख रहा, वाह भाई कसम से मेरे को देखना है कि क्या ये हमारी सारी के सारी गाड़ियों को बीट कर पाती है, हमारी फास्टेस्ट कार जो है वो 0 to 100 करती है 3.5 सेकंड्स के अंदर, 3.9 सेकंड्स के अंदर, और जो हमारी फास्टेस्ट कार है टॉप एंड में R8 वो हमारी जाती है 357 और ऊपर जाएगी, बट उसमें जगह नहीं मिलती है, तो क्या ये उसको बीट करेगी? सीधी सी बात, रास्ता तो इसके पास भी वही होगा, रास्ता तो इसके पास भी सेम ही होगा, सो लेट्स गो लेके चलते हैं अपनी GTR को भाई। सॉरी 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 गलत, अरे यार मैं भूल गया यार, अभी राइट साइड भी देख बैठने को मिल गया ना, मैं प्रॉपर उसी फिल्म आ गया इंडिया में चलाने वाली ना, कि लेफ्ट साइड पे होती है बाहर, भाई पता नहीं राइट साइड क्यों चलाते लोग, मतलब उनका स्टाइल है वो, बट ठीक है चलो फॉरेस्ट लेके चलते हैं सबसे पहले गाड़ी को, लेट सी क्या ये गाड़ी बीट कर पाएगी सारी की सारी चीज़ों को। भाई ऐसा एक दिन आना चाहिए, मैं अपनी सारी गाड़ियों को एक साथ खड़ा करना चाहता हूँ भाई, मज़ा आ जाएगा, लेट्स गो। GTR हैज स्टार्टेड बॉयज, ठीक है रेडी, सबसे पहले देखते हैं 0 to 100 विदाउट एनी नॉस, कोई नॉस नहीं दबाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, 0 to 100 मेरे हिसाब से 3 सेकंड, मेरे हिसाब से 3 सेकंड, अब देख लेते हैं बाकी। 3.5 ठीक है नॉट बैड नॉट बैड, क्योंकि अब नॉस दबाएंगे तो क्या होगा तुम समझ जाओ, 3.5 सेकंड्स इन 0 to 100, वैसे मेरे को पता नहीं क्यों स्लो लगी टू बी ऑनेस्ट लाइक पिछली बार से, बट ठीक है एक और बार ट्राई कर रहा हूँ मैं बस, ठीक है हाँ 0 to 100 उसने 3.5 सेकंड्स में करी, अब देखते हैं 0 to 100 विद नॉस कितने में करती है। 2.3 सेकंड्स, लेट्स गो भाई GTR ने 0 to 100 किया है 2.3 सेकंड्स में, ओ भाई साहब लेट्स गो, अब देखते हैं टॉप स्पीड ऑफ दिस कार, लेट्स गो भाई।
वही करेंगे हम लोग, नॉस जैसे ही एकदम आने वाला होगा वैसे ही दबा देंगे, ठीक है। गाड़ी थोड़ी सी लेफ्ट को भाग रही है फॉर सम रीजन, पता नहीं क्यों, ठीक है। जैसे ही अपना नॉस फुल होने वाला होगा वैसे ही आएंगे। 250 पकड़ चुकी है इतनी जल्दी, तुम समझ रहे हो भाई? 300, कोई लैग ही नहीं है गाड़ी में, कोई लैग नहीं है। 350, अबे यार डोंट टेल मी ब्रो, कम ऑन यार। उसने 350 लेजिट, जो अपनी क्या कहते हैं वो है R8 है, 350 R8 ने एंड में जाके पकड़ी थी, याद है तुम्हें? 350 R8 ने एंड में जाके पकड़ी थी और इसने 350 आधे रास्ते से भी पहले पकड़ ली। भाई यार मेरे को बस सैड लग रहा है कि ये 350 से ऊपर नहीं जाती है, मे बी क्योंकि R8 में V10 इंजन है, तो वो चाहे ड्रैग में ना दे पा रहा हो बट वो टॉप एंड दे दे रहा है। यार ये गाड़ी का टॉप एंड यार 350 नहीं तोड़ पाया यार, मुझे बस यही सैड हो रहा है, क्योंकि उस हिसाब से फिर ये फास्टेस्ट कार इन द गेम हो जाती है। अभी के लिए ये फास्टेस्ट 0-100 कार है, कहने का मतलब है अगर ड्रैग रेस हुई, अगर सारी गाड़ियाँ लाइक मान लो एक किलोमीटर भी ज़्यादा बोल दिया, 500 मीटर की ड्रैग रेस हो रही है, अभी ये सब हो रही है, तो गारंटीड अपनी GTR जीत जाएगी, नो डाउट। बट सैडली अभी के लिए टॉप एंड तो नहीं जीत सकते, टॉप एंड तो अभी भी R8 का ही है भाई, चाहे ये पकड़ लेगी 350 को, उसको बीट करेगी, पर उसके बाद क्या होगा भाई? 350 के बाद तो R8 पकड़ना शुरू कर देगी ना लंबी रेस में, जो भी सीधी होगी, तुम समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब। एक और बार देखते हैं, ठीक है, यहाँ से वहां तक जाने तक का देखते हैं कि क्या ये गाड़ी लाइक क्या ही करेगी यार, 350 तोड़ना तोड़ देगी, बट लेट्स सी ये 350 दोबारा से कितनी जल्दी पकड़ती है, ठीक है। भाई ये 200 क्या प्यार से पकड़ रही है यार, पता भी चला 200 पकड़ ली भाई, 200 या ऐसे पकड़ ली, ऐसे मजाक से हट गए भाई, 200 पता तक नहीं चला भाई। 2.3 सेकंड्स 0-100, शिट भाई 3.9 था अभी तक का बेस्ट, अब सीधे 2.3 हो गया, 2.3। लो भाई 150-350 कब के कर चुकी है, अब रुकी भी है भाई यार, भाई साहब कहां कैसे रहा है इसके अंदर का डैशबोर्ड। ओके मेरे को जेन्युइनली लगा कि हम लोगों ने उसको पार कर दिया। एक मिनट, अगर मैं फास्ट लेके आऊं और इसके ऊपर से कूदाऊं तो क्या हम लोग, वेट डोंट टेल मी ब्रो, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं, ठीक है, ऐसी ऐसी जगह पकड़ते जहां से 350 ले ले, ठीक है, वहां तक जाते जहां पर से 350 पकड़ ले, मेरे ख्याल से इतना काफी है, अगर विद नॉस सारी मारेंगे तो बस यहां तक का काफी है, ठीक है। चलो रेडी, चलो देखते हैं, ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग उस ट्रक तक का लेके आएंगे, क्या ये हवा में उड़ेगी, लाइक क्या ये पार कर देगी फॉरेस्ट को, मेरे को देखना है, क्योंकि ये 350 तो पकड़ लेगी इतनी दूर में आराम से, बट ये कांप बहुत रही है, बस मेरे को उसी चीज़ का डर लग रहा है, क्योंकि ये ना मतलब सेंटर रखना मुश्किल हो रहा है इसको, खास करके हाई स्पीड में। अरे नहीं यार, दीवार है यार, एक दीवार है भाई। ओ भाई साहब, यार ये क्या गाड़ी है भाई, कसम से रे, मतलब मैं बता नहीं सकता तुम लोगों को ये कितना मेरे दिल में आ गई है भाई ये गाड़ी, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है बताने के लिए भाई कि ये क्या बोलूं यार। भाई तुम दिखने की ले लो या फिर तुम चलने की ले लो, तुम्हें जो लेना है लो, बट ये गाड़ी क्या है भाई, बवाल गाड़ी है भाई, बवाल गाड़ी। और अभी तो इसको हम लोग अपने कलेक्शन के साथ खड़ी करते हैं, फिर देखो तुम लोग। मैं सब कर लेता भाई, मैं बैंक वालों के पैर छू देता, मैं क्या कहते हैं उसे एक एक पाई पैसे भाई जो खाने पीने में उड़ाता हूँ सब, मैं सब रोक देता अगर ये गाड़ी थोड़ी रीजनेबल होती इंडिया में। इंडिया में सीधे 2.5 करोड़ यार, 2.5 करोड़ रुपये यार भाई, 2.5 करोड़, मतलब बंदा यार मजाक से हट के यार घर का घर ले ले भाई यार 2.5 करोड़ में, तो थोड़ा सा ना समझ में नहीं आता मेरे को, बहुत ही ज़्यादा महंगी यार, बहुत ही ज़्यादा, और 2.5 करोड़ फिर होने भी तो चाहिए बंदे के पास, मतलब मैं तो भाई मजाक से हट के, मैं तो झूठ भी नहीं बोल रहा भाई, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है कि मैं तो भाई लोन वोन लेके कर लेता, बट लेता जरूर, बट यार फिर 2.5 करोड़ ना जस्टिफाइबल नहीं लगता मेरे को, मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ, जब तुम्हारे पास 100-200 करोड़ हो तब तो तुम लेने की सोचो भी ऐसी गाड़ियाँ, बट भाई जब तुम्हारे पैसे नहीं है और फिर तुम 2.5 करोड़ की गाड़ी लेने जाओगे तो फिर थोड़ी महंगी पड़ जाती है ना। अब देखो बाहर यही गाड़ी तुम्हें 1 CR के आसपास मिल जाएगी सेकंड हैंड आराम से,
और ये तो ज्यादा ही बोल दिया मैंने, सेकंड हैंड तो तुम्हें और सस्ती मिल जाएगी, बट इंडिया में अलग ही सीन है क्योंकि इंडिया में इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डबल है, ऑलमोस्ट डबल के अंदर, गाड़ी का डबल से ज्यादा है, गाड़ी की तुम डबल प्राइस देके भी उससे ज्यादा होगा। क्या लग रही है भाई ये वाली है, इसको निकालो भाई बाहर। वो है भाई अपनी 4,500 किलोमीटर या ऐसे चली हुई है वो गाड़ी खाली भाई। इसमें क्या ड्रिफ्ट फिट है भाई, क्या ड्रिफ्ट मार रही है देख रहे हो इसको। चलो इसको वहां लगा देते हैं वापस से। चलो अच्छा देखो इसकी वजह से हो रहा था, उस गाड़ी के नीचे किसी ने कूड़ा फेंक के गया हुआ था। इनको तो बताऊंगा अच्छे से एक ही दिन भाई, जिस दिन मेरे हत्ते चढ़ गए ना ये लोग तब बताऊंगा इनको मैं। वो तो मैं क्यूट गाई हूँ ना तो मेरे को गुस्सा नहीं आता ज्यादा। अरे इसको कहाँ लेके जा रहा है, वाह अभी दोबारा वही कर भाई, मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वही चल रहा है भाई, GTR पता है तुम्हें एट दिस मोमेंट, मेरे दिमाग में सिर्फ वही चल रहा है भाई, मैं क्या कर रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता है भाई, मेरे को अपनी गाड़ी का पूरा लाइनअप बनाना है बट वो कुछ और ही कर रहा हूँ वहाँ, कुछ और ही चल रहा है। चलो इसको लगा देते हैं वहाँ पे, इजी आराम से लाओ लाओ, आने दो आने दो आने दो आने दो, बस ठीक है। अपनी माजडा भी आ चुकी है, फटाफट से एक काम करते हैं सारी गाड़ियों को साफ करते हैं और फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ हमारा कंप्लीट लाइनअप, हमारी सारी की सारी कार कलेक्शन का, ठीक है। जो हम लोगों ने सारी गाड़ियाँ ले ली है ना उसके कार कलेक्शन का कंप्लीट लाइनअप दिखाता हूँ, बट पहले इनको साफ कर देते हैं भाई। हम लोगों ने कहाँ से शुरू करा था याद करो, हम लोगों को ऐसा हो गया था कि पोर्शे लेने के लिए हमें अपनी सुप्रा बेचनी पड़ गई थी, सुप्रा लेने के लिए हमें अपनी मस्टैंग बेचनी पड़ गई थी, एक टाइम ऐसा था। और अब देख रहे हो भाई अपने पास सारी की सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, क्योंकि जितना तुम इस गेम में प्रोग्रेस करते हो ना, मैंने एक चीज़ देखी है, जैसे तुम्हारे तुम्हारे पास जितनी बड़ी गाड़ी होगी तुम उसमें उतना ही ज़्यादा रुपया कमाओगे। जैसे देखो 3.5 लाख 2.5 लाख की मैं ये खरीद लेता हूँ, क्या कहते हैं फरारी, 3.5 लाख 4 लाख में बिक जाती है, 2.5 लाख से कम बोल दिया बट 3 लाख के आसपास में खरीद के 4 लाख तक की बिक जाती है। तो भाई यार 4-4.5 लाख रुपये सीधे $00,00,000 मिलते हैं ना, तो वो चीज़ है, मतलब थोड़े ज़्यादा पैसे कम जाते हैं, क्योंकि बड़ी गाड़ी मतलब ज़्यादा पैसा। लेकिन भाई ये देखो किसी ने सोचा था भाई एक दिन इतना बड़ा अपने पास पूरा गैराज होगा भाई, गाड़ी होगा, लाइक रियल लाइफ में नहीं है क्या हो गया भाई, गेम में ही सही यार है तो सही ना। चलो इसको साफ कर देते हैं, देर वी गो, ये भी साफ, और लास्ट हमारी ये लैम्बोर्गिनी सियान, मतलब सियान नहीं है बट वही मतलब मान के चलो ना यार, सियान कलर तो है ना, मैं तो कलर की बात कर रहा था। ये देखो भाई ये है अपना लाइनअप, ये अपनी GTR। तो यस गाइस ये देखो हमारी, अब यार रात मत कर यार भाई, यार रात हो गई, रुको गाइस एक मिनट में तुम्हें सुबह को दिखाऊंगा, क्योंकि अभी तो गाड़ियां दिख ही नहीं रही है भाई, मैं थोड़ा टाइम दो, मैं फटाफट से सो के आता हूँ अपनी। अरे यार लाइट नहीं खोली है क्या, एक मिनट गाइस लाइट जलाते चलेंगे ना यार, तभी तो लोगों को दिखेगा रात को यार। ओ भाई साहब भाई क्या पटाखे बजा रही है भाई, भाई ये गोल्डन कलर में क्या लग रही है भाई, झूठ मत बोलना। वैसे देखो मैं तो बोल ही रहा हूँ कि तुम लोगों को जो अच्छा कलर लग रहा है ट्राई करने के लिए मेरे को बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये भी बताना भाई ये गोल्डन कलर में नेक्स्ट लेवल लग रही है कि नहीं लग रही है भाई, क्या लग रही है भाई ये गोल्डन कलर में यार, मेरा तो दिल आ गया भाई, मैं मजाक भी नहीं करूंगा, गोल्डन ही बेस्ट लग रहा है मेरे को, तो ऐसा लग रहा है। पर तुम लोग फिर भी बताना, क्या पता कोई दूसरा कलर हो, कोई अच्छा कलर हो बताना मेरे को गारंटी कमेंट सेक्शन में, और अगर गोल्डन सही तो गोल्डन ही कमेंट करना, तो जो ज्यादा कमेंट होगा वही गाड़ी में कलर लगा दूंगा, ठीक है। क्या करूं यार मेरी गाड़ी तेल ही इतना पीती है यार, क्या बताऊं तुम्हें, यार भारी गाड़ी है ना थोड़ा ज्यादा तेल पी लेती है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है ऐसी, ये मत सोचना कि मुझे कोई दिक्कत हो रही है। हाँ भाई तू तो अपनी गाड़ी थोड़ी देख के चला ले, GTR है, गलती से ठुक गई ना तेरे इंश्योरेंस वाले का घर जाएगा पूरा, खुद ही ठोक रहा हूँ मेरे लिए मेरे, अरे 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 आराम से यार, मेरे अपने ही उसका इंश्योरेंस वाले का घर जाएगा ऐसा लग रहा है। चलो ये लगा दी मैंने, अब मेरे को 2 मिनट दो, मैं पहले सारी गाड़ियां दोबारा से धो के आता हूँ। गाइस हमारी सारी गाड़ियां धुल चुकी है, यू हैव ए स्किल पॉइंट, अरे डालू कहाँ उस स्किल पॉइंट को, ये ले भाई अब कहाँ लगाऊँ, 2 स्किल पॉइंट पड़े हुए, मेरा पूरा स्किल ट्री भर चुका है भाई, मैं उसको लगाऊँ कहाँ, 2 स्किल पॉइंट तो पड़े भाई, मैं बता रहा हूँ तुम्हें गाड़ियां रखो और गाड़ियों को धो, काफी हद से ज्यादा ही स्किल पॉइंट मिलते हैं भाई। ये रहा हमारा गाइस पूरा का पूरा गाड़ियों का कलेक्शन जो हमारे पास पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोगों ने भाई एक तरह से जेन्युइनली बताऊं तो गेम खत्म कर दिया है, ठीक है अगर देखा जाए तो।
हम लोगों ने एक तरह से पूरा गेम फिनिश कर दिया। हमारे पास GTR है, हमारे पास RX-7 है, हमारे पास फरारी है, हमारे पास मस्टैंग है, सुप्रा है, हमारे पास अपनी वो है क्या कहते उसे पोर्शे पड़ी है, हमारे पास R8 है, हमारे पास लैम्बोर्गिनी है, जितनी भी टॉप एंड गाड़ी होती है वो है, थोड़ा फिएट अबार्थ वो सब चीज़ें नहीं है, वो तो खैर आ जाएंगी। बट यहाँ पर देखा जाए तो हम लोगों ने गेम पूरा बीट कर दिया, क्योंकि जो हम लोगों को गाड़ी का कलेक्शन चाहिए था अपने पास, हम लोगों ने पूरा कलेक्शन कंप्लीट कर दिया है। भाई देख रहे हो तुम लोग एक बार, 8 गाड़ियाँ सामने खड़ी हुई, कैसे देखो चीख रही हैं भाई गाड़ियों, मैं मजाक नहीं करूँगा भाई, देख के लग रहा है कि हाँ यार कुछ कलेक्शन है। और ये तो है ही भाई, ठीक है ये तो है ही अपनी GTR यार, क्या लग रही है भाई कसम से बताए। अगर तुम लोगों को गोल्डन ही अच्छा लगा ना, प्लीज यार मेरे को कमेंट सेक्शन में गारंटी बताना कि गोल्डन ही अच्छा लग रहा है। और ये बिलीव मी ब्रो, 10 मिलियन से ज्यादा की गाड़ियां हैं, अगर मैं इनको बेचने जाऊंगा ना आराम से, 10 मिलियन तो बहुत कम बोल रहा हूँ, मुझे 2 गाड़ियां ही दिख रही हैं जो 10 मिलियन दे देंगी। बट अभी देखने वाली बात है कि क्या हमारी, रुको बिल जाएंगे कुछ, ये लो पे कर देंगे, क्या है उसमें, लेट्स सी। हमारी GTR अगर हम लोग सेकंड हैंड बेचने जाते तो हम लोगों की GTR कितने की बिकेगी, देयर वी गो रिजान GTR, ओ भाई साहब 11 मिलियन, तभी तो नहीं आ रही है गाड़ी भाई, बहुत ज्यादा रेयर है, क्यों है 11 लाख की, मतलब 1.1 मिलियन, 11 मिलियन बोल दिया क्या भाई, 1.1 मिलियन की गाड़ी बिकेगी अगर मैं इसको बेचने चले गया तो। ओ भाई साहब खींचेक खींचेक अरे हाँ सही है गलती से हो गया था यार, भाई साहब अकेले की है 11 लाख की, तुम समझ रहे हो, ये 10 मिलियन नहीं भाई, ये बहुत पार का गेम है, मजाक से हटके, लाइक ये 6.5 लाख में आराम से जाती है, ये 4.5 लाख में, मतलब है आराम से है मेरे हिसाब से तो भाई, नहीं 10 मिलियन तो वैसे ज़्यादा ही बोल दिया, बट हाँ होगा, मतलब होगा 5 मिलियन तो कम से कम है, ये 5 मिलियन से ज़्यादा की गाड़ियाँ हैं भाई यहाँ पे, गारंटीड मिलियंस ऑफ मिलियंस भाई। पर इसी के साथ गाइज देखो हमारा कलेक्शन कायदे से कंप्लीट हो चुका है, हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए। पर अगर तुम लोग देखना चाहते हो कि हम लोग यहाँ पर सारी गाड़ियां गेम की, जितनी गेम के अंदर गाड़ियां होती हैं, मुझे नहीं पता कितनी होती है, मैं वो देख के ले आऊंगा, रिसर्च करके ले आऊंगा, मतलब मेरे कहने का मतलब है इस गेम के अंदर जितनी टाइप की गाड़ियां होती है, कहने का मतलब देखो खाली ऐसा नहीं कि इसमें GTR है ये, या फिर मैं इस गेम में अभी जितने लोगों के पास गाड़ियों की सारी गाड़ियां नहीं, इस गेम के अंदर जितने टाइप की गाड़ियां, अगर 50 टाइप की गाड़ियां हैं तो मैं 500 गाड़ियां लेके आऊंगा, तुम लोगों को एक एक गाड़ी दिखाऊंगा, या फिर 100 टाइप की गाड़ी होंगी ना, मैं 100 की 100 लाके खड़ी करूंगा, आएंगी पता नहीं वामू स्टोर के अंदर, बट जितनी भी होंगी मैं सारी की सारी गाड़ियां लेके आऊंगा इस गेम की। जैसे ये हमारे पास 8 टाइप की गाड़ियां पड़ी है ना यहाँ पे, ऐसे ही जितनी A to Z, चाहे $2,000 की हो या फिर $2 मिलियन की हो, मतलब 2 मिलियन की वैसे है नहीं, सबसे महंगी गाड़ी तो मेरे हिसाब से तो हमारी GTR है, पर स्टिल मतलब कितनी भी महंगी गाड़ी होगी, कितनी भी सस्ती गाड़ी होगी, जितनी गाड़ियां गेम के अंदर ना टाइप की सारी लेके आऊंगा। तो तुम लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ अगर तुम लोग ऐसी एक वीडियो देखना चाहते हो, क्योंकि कायदे से तो हम लोगों ने अपना गैराज तो कंप्लीट कर दिया, बट मेरे को जेन्युइनली देखना कि इस गेम के अंदर कितनी टाइप की गाड़ियां हैं टोटल, तो तुम लोग बताओ कमेंट सेक्शन में अगर तुम लोग ये वीडियो को देखना चाहते हो। बाकी इस वाली को देखने के लिए थैंक यू सो मच, और हमारी फाइनली गोल्डन GTR आ चुकी है, कलर तुम लोग बता दो अगर तुम्हें ये अच्छा नहीं लग रहा, अगर अच्छा लग रहा तो गोल्डन ही लिखो, नहीं तो तुम्हें व्हाइट देखनी है व्हाइट बोल दो, तुम्हें पीली देखनी पीली देख, जो देखनी मेरे कमेंट सेक्शन में बता दो। बाकी जिसने भी लाइक नहीं करा लाइक कर देना भाई, मैं मानता हूँ 1 लाख लाइक तो बना दो यार इस वाली वीडियो पे फटाफट से, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा कर देना, ऐसी मस्त मस्त वीडियोस आती रहेंगी, मैं मिलता हूँ अगली बार, तक के लिए बाय बाय।